चलिए जी शुरू करते हैं द रॉयल बंगाल टाइगर। ओके द रॉयल बंगाल टाइगर, द रॉयल बंगाल टाइगर। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आशीष, वन सेकंड विद यू। आज आपके सामने बंगाली मूवी ट्रेलर लेके द रॉयल बंगाल टाइगर। ये मूवी जो है फरवरी 2016 में आई थी और मेन लीड में है जीत एंड अभीर चटर्जी। इनके बारे में मैं नहीं जानता, मुझे काफ़ी लोगों ने जीत के बारे में बताया कि बहुत बड़े सुपरस्टार हैं ये बंगाली सिनेमा में, तो इनके बारे में प्लीज़ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा, कुछ सजेशन दीजिएगा, इनके काम को इनके काम के बारे में बताइएगा मुझे, कुछ लिंक मेरे सामने रखिएगा, कोशिश रहेगी वो भी जल्दी आप लोगों के सामने रखूँ। तो आज आप लोगों के सामने द रॉयल बंगाल टाइगर मूवी ट्रेलर लेके बताना चाहूँगा कि सस्पेंस थ्रिलर मूवी है, डायरेक्टेड बाय राजेश गांगुली है, रिटन एंड प्रोड्यूस बाय नीरज पांडे। चलिए देखते हैं किस तरह का ये मूवी ट्रेलर, पहले देखते हैं फिर बात करेंगे। सो हियर वी वाइकॉम, ओके वाइकॉम। हैप्पी फैमिली। जेम साहब तुम्हें देखे, यू आर गोइंग टू बी एन ए ग्रेड ऑफिसर मिस्टर ओभिरूप बैनर्जी। थैंक यू सर, दैट्स वंडरफुल न्यूज। लाइने तो আমিও ছিলাম নাকি, কিন্তু আপনার 6 মাসের বাড়ি ভাড়া হয়ে যাবে রে বাবা, হয়ে যাবে। আসলে কম্পিউটারে অতটা ওয়াকিবহাল নয়। হলুদ শাড়িতে আছো বন্ধু? অর্জুন, একটা কথা মনে রাখবি, ফিয়ার ইজ জাস্ট আ স্টেট অফ মাইন্ড। চল, এত ভয় কিসের তোর? হ্যাঁ সব ঠিক হয়ে যাবে, এবার গিয়ে ভাড়াটা আদায় কর। আমি এখন থেকে আর ট্রেনে ফিরবো না, নিজের বাড়ির জঞ্জালকে নিজেই মেটাতে হবে। ওরে সাবাস, আমার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তো দেখছি জেগে উঠেছে। আসল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার তুই। মুঝে কিসি নে বতায়া থা কি মুভি জো হ্যায় 2016 মে আই থি, তো প্লিজ মাফ কর দিজিয়েগা, আপ লোগো কি তরফ সে মুঝে কুছ বতায়া গিয়া থা কি ইয়ে মুভি জো হ্যায় 2016 মে। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ विकीपीडिया पे, इस मूवी की जो रिलीज डेट है वो 31 जनवरी 2014 मेंशन है, बट आप लोगों की तरफ से मुझे 2016 बताया गया, तो प्लीज़ मुझे मूवी की रिलीज डेट का एक्चुअल जो रिलीज डेट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रेलर जो है सीरियसली काफ़ी अच्छा लगा, एक कॉमन मैन के बारे में ये स्टोरी है। देखने में मुझे ये समझ में आया कि एक शख्स है, इनका नाम शायद अभीर है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि जो जीत जीत मेरे ख्याल से वो हैं जिनका नाम अनजान था इस मूवी के अंदर। सो जो पहले शख्स है उनका नाम शायद अभीर है, वो बहुत ही सीधे साधे इंसान हैं, अपनी फैमिली के साथ खुश हैं, लेकिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है जहाँ वो काम कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है इनके लिए, और बहुत सीधे साधे इंसान हैं, अपनी वाइफ के साथ ही कहीं जा रहे हैं तो कुछ लोग इनकी वाइफ को छेड़ रहे हैं, तो ये कुछ भी नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा अपने आप को ये डिप्रेस फील कर रहे हैं कि मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं आवाज़ उठा पाऊँ या लड़ सकूँ। तो इनकी मुलाकात अपने किसी फ्रेंड से होती है जिनका नाम अनजान है इस मूवी के अंदर, वो इनको बहुत बूस्टअप करते हैं, इनको एनर्जी देते हैं, देखिए अब आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी और इन सब चीज़ों से लड़ना पड़ेगा तभी आप द रॉयल बंगाल टाइगर बन पाएंगे, वो उनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं, फिर ये रॉयल बंगाल टाइगर बन के उभर के बाहर आते हैं। लेकिन मुझे एक चीज यहां पे महसूस हो रही है कि जो वो शख्स हैं जिनका नाम अनजान है, शायद
वो जो शख्स हैं अभीर, उनके शायद ये मन का ख्याल भी हो सकता है इस मूवी के अंदर, कि ऐसा कोई शख्स है जो मेरी हेल्प कर रहा है, मुझे बूस्टअप कर रहा है। मुझे देखने में ऐसे ही लगा कि शायद वो इनके मन का फितूर भी हो सकता है। सो मुझे ये समझ में आया कि ये स्टोरी लाइन हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या एक्चुअल स्टोरी लाइन यही थी जो यहाँ पे मुझे ट्रेलर में समझ में आई, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। मूवी जो है सीरियसली बहुत अच्छे थीम पर बनाई गई है। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक समझता है, फिर उसका एक फ्रेंड है जो उसको सपोर्ट करता है। शायद ये इनका मन का फितूर है कि कोई है जो इनको सपोर्ट कर रहा है। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में ये मिस्ट्री जो है जरूर बताइएगा कि एक्चुअल वो इनके फ्रेंड थे या इनके दिमाग का ही व्यायाम था कि इनको कोई सपोर्ट कर रहा है। और ये ट्रेलर देख के मुझे एक चीज महसूस होती है कि ये जो मूवी जब आई होगी लोगों को काफी पसंद आई होगी। एक आम इंसान से जुड़ी हुई कहानी है। और एक चीज यहाँ पे समझने को मिलती है कि देखिए आपकी लाइफ में कितने भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आसपास कितना भी गलत हो रहा हो, लेकिन अपने आप को आपने वीक नहीं समझना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, दो घूसे आपको पड़ जाएंगे, खा लीजिए, लेकिन गलत मत होने दीजिए। अपने अंदर का जो शेर है ना उसको बाहर निकालिए। और वो चीज सीरियसली इस ट्रेलर को देख के महसूस हुई है। ये मूवी जो है मेरे ख्याल से 2014-16 कंफ्यूजन है। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोगों की तरफ से मुझे सजेशन दिया गया था कि प्लीज आप ये द रॉयल बंगाल टाइगर देखिए। मुझे लगा शायद सौरभ गांगुली यहां पे देखने को मिलेंगे, बट ये जो स्टोरी है एक आम इंसान के बारे में है, वो किस तरह से अपने डर के ऊपर काबू पाता है, और वो जो मिस्ट्री सी जो है प्लीज मुझे जरूर बताइए क्या वो इनके एक्चुअल फ्रेंड होते हैं या इनके मन का फितूर होता है कि कोई है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको आज का मेरा ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो लाइक ज्यादा डिसलाइक कम, और सब्सक्राइब कीजिएगा अपकमिंग मूवी टीजर और ट्रेलर, कुछ पुराने मूवी के टीजर और ट्रेलर मेरे साथ देखने के लिए। थैंक यू।